मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया, आपकी जो पैट की आगामी परीक्षा है, जिसमें मात्र एक महीने का समय बचा हुआ है, उसके लिए हम लोग जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं। और एक महीने का जो आपको प्लान बताया गया है, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा पहला टॉपिक हमने लिया है, वो सामान्य जागरूकता का जो आपका टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश, यहाँ से लिया गया है। तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं और आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे, यानी कि 30 दिन में जितना भी आपका पूरा टॉपिक है सब कवर कर लिया जाएगा। जितने भी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो सब कुछ आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। और आपको किस प्रकार से पढ़ना है इन 30 दिनों में, उसकी भी तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो आप कहीं से भी किसी भी कोचिंग पढ़ रहे हो, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक भारत के पड़ोसी देश। सिलेबस जो आपका है, उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने कमरे में टांग लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, और उसी को देख देख कर हमें पढ़ना है। तो भारत के पड़ोसी देश में आपको क्या पढ़ना है, पहले इस पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। आपको ये जानना है उनकी कौन सी राजधानियां हैं, उनमें मुद्रा कौन सी चलती है, उनकी सीमा कितनी लंबी है, और वो सीमा कितने कितने राज्यों को टच करती है, समुद्री सीमा कितने राज्यों को टच करती है। बस यही सब आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 1 से 2 घंटे का आप समय देंगे तो ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके पास अरिहंत की पतली वाली बुक जो 30-35 रुपए की आती है मार्केट में, वो होना चाहिए। लूसेंट वाली बुक आपके पास होना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पर मैप है, ये मैप आपके पास होना ही चाहिए, बिना मैप के ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। तो 3 चीज़ें रख लीजिएगा, अरिहंत, लूसेंट और मैप, ठीक है। अब देखिए, ये जो पुराना, ये जो मैप है, ये तो हमारे पास पुराना मैप था। तो इसमें देखिए जम्मू और ये वाला पोर्शन जरा देखिए, इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग नहीं किया गया, तो ये पुराना मैप है, ठीक है। तो आपके पास नया वाला मैप होना चाहिए। तो यहाँ से पूरा मैप एक बार देख लीजिएगा, भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन सी उनकी सीमा को टच करता है। हम लोग यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप मैप खोल के अपने सामने रखिए और जो यहाँ पर प्रश्न है उसको देखते रहिएगा, ठीक ना। तो ये मैप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहिए, इधर आपका बंगाल खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, ये नीचे आपका हिंद महासागर लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहिए। ये अरब सागर में यहाँ जाएंगे तो आपको बांग्लादेश मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो म्यांमार मिलेगा, और यहाँ जाएंगे इस थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे इस तरफ तो आपका थाईलैंड मिल जाएगा। ये अंडमान निकोबार है, इसके नीचे जाएंगे तो आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा। यहाँ जाएंगे तो आपका जो अरब सागर है, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है, ये छोटे छोटे जो द्वीप दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये तमिलनाडु जाएंगे तो यहाँ तक मिलेगा, यानी कि ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर आपका तमिलनाडु होता है। यहाँ केरल होता है, इसके ऊपर कर्नाटक होता है, ये छोटा सा आपका गोवा है, उसके ऊपर आपका क्या है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नक्शे से कम 10 मिनट आराम से देखिए, पढ़िए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ना भैया। देखिए, तो नक्शा आपने देख लिया, मैप आपने देखा, सब कुछ कौन सी चीज़ कहाँ पर है उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न आपका बनेगा जितने भी पड़ोसी देश हैं वो किन किन राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं। तो बांग्लादेश जो है 5, याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है 5 राज्यों की सीमा को टच करता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल। अब इस चीज़ को रटना नहीं है, इस चीज़ को इस नक्शे से समझना, हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए, ये आपका नक्शा हो गया, यहाँ पर ये वाला है आपका बांग्लादेश, तो इसके किनारे यहाँ तक जाएंगे तो आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, किसके बारे में पढ़ना है, सॉरी एक मिनट, बांग्लादेश, सॉरी, हाँ बांग्लादेश के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर ये आपका बांग्लादेश है, ये किनारे इसके पश्चिमी बंगाल है, ये आपको नक्शे में जो आपका मैप लेके बैठे होंगे वहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका जो है असम मिल रहा है, यहाँ से टच आपका मेघालय कर रहा है, और यहाँ से आपका त्रिपुरा टच कर रहा है, और यहाँ से आपका मिजोरम टच कर रहा है, और ये वाला जो असम यहाँ तक है ये यहाँ पर भी आया है। यानी कि 5 राज्य बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, भारत के 5 राज्य। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, अगर नेपाल के पड़ोसी देश मिले तो ये आपको नक्शे से देखना है। देखिए, सबसे ऊपर नेपाल में जो आपका ऊपर मतलब कि पश्चिम दिशा में उत्तराखंड मिलेगा, और इसके इधर आएंगे तो आपको मिलेगा क्या भैया, उत्तर प्रदेश मिलेगा, और उसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बिहार, उसके और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पश्चिम बंगाल मिलेगा, और इधर यानी पूरब की साइड से आपको भारत का राज्य पश्चिम मिलेगा। तो मैप से यहाँ से आपको डाटा पढ़ना है,
फिर से देख लीजिए, यहाँ से आपको डाटा पढ़ना है, ये आपको डाटा दिया गया है, लेकिन समझना कहाँ से है, मैप से, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप लोग मैप खोल के पढ़िए, डाटा यहाँ से पढ़िए और समझिए मैप से, तब आपको लगभग एक घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर रट जाएगा। कुछ नहीं है, एक या दो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं तो सब आप रट सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। नेपाल का आपको बता ही दिया गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड रट लीजिएगा। भूटान, भूटान देखिए, चलिए बार बार मैप को देखना पड़ता है, भूटान यहाँ पर आपको दिखाते हैं, भूटान बहुत ज़बरदस्त राज्य देश है, ये आपका भूटान है, ठीक है। तो इसके जब पश्चिम में जाएंगे तो सिक्किम मिलेगा, इसके नीचे जाएंगे यानी कि नीचे मतलब कि दक्षिण में, तो आपको ये थोड़ा सा पश्चिमी बंगाल टच करेगा, और इसके इधर क्या मिलेगा, असम मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, अब इधर मतलब उत्तर में, सॉरी पूरब में, वहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो इस प्रकार से मैप से देखकर ये सारी चीज़ें आपको रटना है और यहाँ से आपको डाटा पढ़ना है, समझ गए कैसी तैयारी करना भैया। तो एक बार इनको ध्यान से आप पढ़िए, तब तक हम पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बार बार मैप खोल के नहीं दिखाएंगे, म्यांमार का आप समझ लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड आता है, उसके नीचे मिजोरम आता है, उसके नीचे मणिपुर आता है, यानी कि चार राज्य म्यांमार को टच करते हैं, चार राज्य भूटान को टच करते हैं, नेपाल को पांच राज्य टच करते हैं, बांग्लादेश को पांच राज्य टच करते हैं, और जो पाकिस्तान है सबसे नालायक पाकिस्तान जो है वो गुजरात, राजस्थान, बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो केंद्र शासित प्रदेश और तीन राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अफगानिस्तान किसके साथ सीमा बनाते हैं भैया, लद्दाख के साथ, लेकिन ये भारत की सीमा नहीं है, क्योंकि जो लद्दाख है वो पीओके है यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, तो अफगानिस्तान वास्तव में भारत के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर को हम लोग अपना ही मानते हैं। तो इस प्रकार 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री लाइन है वो लद्दाख की अफगानिस्तान के साथ जुड़ती है, और दूसरा नालायक देश यहाँ पर बैठा हुआ है चाइना, इसका जो बॉर्डर है वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन पाँच राज्यों से होकर मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से हमारे सीमावर्ती देश हैं और वो कितने राज्यों को टच करते हैं, ये आपको रटना नहीं है, नक्शे से एक बार समझ लेंगे तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में इनकी राजधानी भी आपको याद रखना है, ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की, काठमांडू राजधानी है नेपाल की, थिम्पू राजधानी है भूटान की, नाइपिडा यहाँ पर नाइपिड बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर नाइपिडा लिखा है, तो नाइपिडा जो आपका पड़ोसी देश म्यांमार है उसकी राजधानी है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की, काबुल अफगानिस्तान की, और बीजिंग जो राजधानी है वो चाइना की राजधानी है, इसको भी रट लीजिएगा। अब देखिए इनकी कौन सी मुद्राएं चलती हैं, ये भी आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर लिखा है बांग्लादेशी टका, तो ये बांग्लादेशी, नेपाली ये सब लिखना नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि बांग्लादेश में टका चलता है। अब नेपाली रुपया क्यों लिखा गया भैया, तो नेपाली रुपया इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी जो डॉलर में कीमत है वो भारतीय रुपये से अलग है, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया और नेपाली रुपया लिखा गया है, लेकिन ये नेपाली पाकिस्तानी आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ रुपया पढ़ना है। तो नेपाल में क्या चलता है, सिर्फ रुपया चलता है, पाकिस्तानी नेपाली से कोई मतलब नहीं। न्यूट्रम आपके पड़ोसी देश म्यांमार चलता है, कयात कहाँ पर, सॉरी गलत हो गया, न्यूट्रम आपका भूटान में चलता है, कयात आपका पड़ोसी देश म्यांमार में चलता है, और काबुल यानी कि अफगानिस्तान में अफगानी चलता है, और युआन जो है वो मुद्रा है आपके पड़ोसी देश चाइना की। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको तो सब आसान है, लेकिन ये कयात वाला याद कर लीजिएगा, और भूटान की जो मुद्रा है न्यूट्रम इसको भी याद कर लीजिएगा, और युआन चाइना की तो आपको याद ही होगा। अब सबसे लंबी बाउंड्री कौन बनाता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि बांग्लादेश जो है चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, और कितना बनाता है इस चीज़ को भी आप लोग रट लीजिएगा, 40-96, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री लाइन है, इसको आप रट लीजिएगा,
क्लियर। और सबसे छोटी जो बाउंड्री हमारी बनती है वो अफगानिस्तान के साथ बनती है, कितना 106 किलोमीटर, और बाकी का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे लंबा, ये सबसे लंबा वाला अफगानिस्तान, सबसे छोटा वाला जो है सबसे लंबा वाला बांग्लादेश और सबसे छोटा वाला अफगानिस्तान, ये हमारी सीमाएं बनती हैं, इसको आप पढ़िएगा। बाकी सीमाएं की ये जो लंबाइयां हैं इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीन चीज़ें याद हो गई, कौन सा देश है, वो कहाँ पर कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजधानी कौन सी है, मुद्रा कौन सी है, पढ़ना किससे है, लूसेंट वाली किताब से और अरिहंत वाली किताब से, और एक अपना नक्शा रखना है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ISPCS की तैयारी नहीं करना, ठीक है ना। अब चलिए इसके हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते हैं। अब देखिए इसी को घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि कौन सा देश किस भारतीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, अब इसका उल्टा पढ़ लीजिए कि हमारे जो पड़ोसी अपने सीमावर्ती राज्य हैं वो कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो लद्दाख की जो सीमा है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ये तीन देशों के साथ मिलती है, यानी कि उसी को हम घुमा फिरा के पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ते थे कि अफगानिस्तान के साथ किसकी सीमा मिलती है, पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, अब इसका उल्टा पढ़ रहे हैं कि हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कितने देशों के साथ सीमाएँ बनाती हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड जो है वो नेपाल और चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। जो अरुणाचल प्रदेश आपके सबसे पूर्ववर्ती राज्य है वो म्यांमार, भूटान और चाइना, तीन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम जो आपका राज्य है वो ऊपर से नेपाल और आपके पश्चिम साइड में क्या है, सॉरी ऊपर से ऊपर मतलब उत्तर दिशा में चाइना है, पश्चिम साइड में नेपाल है और पूरब साइड में आपका भूटान है, ये सिक्किम की कहानी है। असम आपका भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, और जो मिजोरम है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, और पश्चिम बंगाल तीन देश हैं, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है और भूटान है, इन तीनों देशों के साथ सीमाएं बनाता है। तो ये चीज़ आज जब आप मैप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, रटने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसके आधार पर जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर वो सभी प्रश्न दिए गए हैं जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, लगभग 8 से 10 पिछले सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वही यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वन लाइनर के रूप में लिखा गया है, वन लाइनर के रूप में हम पढ़ेंगे तो जल्दी सारी चीजें याद हो जाएंगी, इसको आपको रट मारना है। पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान के साथ जो भारतीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है भैया, उसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें स्थलीय सीमा जो है सबसे लंबी है, तो अभी बताया है सबसे लंबा और सबसे छोटा ही पढ़ना था, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है जो कि 40-96 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग जब पढ़ते थे तो यहाँ पर इसको ये डाटा को पूरा नहीं पढ़ते, इसको ऐसे 4096 याद नहीं करते थे, इसको हम लोग ऐसे 4096 ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद करते थे, ठीक है। तो उसी तरह आप भी पढ़िए, आसान रहेगा। अब अगले प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं, तो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे रेडक्लिफ बॉर्डर के नाम से जानते हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी जो है सीमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं वो भी रट मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच की सीमा है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में सीमा है, ठीक है। ऐसा कौन सा, अच्छा ये वाला जो प्रश्न ना भैया, ये वाला प्रश्न हजारों बार पेपर में पूछा गया है, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है वो जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो तीन ओर यानी कि तीन यानी कि त्रिपुरा, ठीक है, ये हजारों बार पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत और भूटान के बीच की सीमा में कितने भारतीय राज्य आते हैं, तो भारत और भूटान की जो सीमा बनाते हैं उसमें भारत के कितने राज्य शामिल हैं, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है भारत के 4 राज्य शामिल हैं। किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है, तो ये प्रश्न आप किसी परीक्षा में आया होगा, उसमें एक विकल्प नेपाल दिया गया होगा, इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा नेपाल ही लिखा है, यानी कि ये बहुविकल्पी प्रश्न है लेकिन उसको समय बचाने के लिए आपको वन लाइनर के रूप में दिया गया है। तो बिहार अपनी सीमा साझा करता है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। किस देश की सीमा मेघालय के साथ जुड़ी है, तो अभी आप चित्र में ऊपर आप देखें बांग्लादेश की जो सीमा है वो आपके मेघालय राज्य के साथ जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है, यानी पूरब की दिशा में हमारे 2 राज्य हैं, सबसे पूरब जाएंगे तो आपको म्यांमार मिलेगा, और उससे थोड़ा सा पहले आएंगे यानी बांग्लादेश के पूरब में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल के पूरब में जाएंगे तो आपको बांग्लादेश मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की सीमा किससे मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है, यह रट लीजिएगा। यहाँ पर विकल्प को आपको देखना पड़ेगा, पता चला गुजरात की सीमा किसके साथ मिलती है तो वहाँ पर आपको विकल्प भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान दिया हो तो वहाँ पर आपको पाकिस्तान टिक लगाना है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है।
भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी वो कितने किलोमीटर की लंबाई की है, तो भारत और पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा है वो 3323 किलोमीटर की लंबाई का है। सिर्फ प्रश्न को ध्यान से सुनते जाइए और ये सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो सबसे छोटी सीमा जो लगती है, जो स्थल की सीमा लगती है, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, आपको ऊपर बताया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, हजारों बार पेपर में पूछा गया है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। पूरब से स्टार्ट करते हैं, पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पश्चिम में गुजरात है, पश्चिम से हम लोग धीरे धीरे पूरब की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले आपको गुजरात मिलेगा, फिर राजस्थान मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बाद में उसके आगे आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, फिर त्रिपुरा मिलेगा और सबसे लास्ट में आपको मिजोरम मिलेगा। पश्चिम से ये पूरब का क्रम है। तो कभी कभी कर्क रेखा में ये भी पूछा जाता है कि सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो वो गुजरात है, सबसे पूरब में कौन सा है, तो मिजोरम है। फिर कभी कभी आपको क्रम मिलाने के लिए आ जाता है कि पश्चिम से पूरब का क्रम बताइए, कर्क रेखा पे कौन से राज्य हैं, कभी कभी पूरब से पश्चिम का क्रम पूछ लेता है, तो ये जो क्रम है इस क्रम को मत भूलिएगा, क्रम से इन 8 राज्यों के नाम आपको रट्टा मारना है। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसको आपको रटना होगा 15106.7 किलोमीटर, ठीक है, 15106.7 किलोमीटर जो स्थलीय टोटल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है। अब स्थलीय सीमा की लंबाई देखिए, भारत का नक्शा कैसे है, ऐसे है भारत का नक्शा, ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं, तो ये जो स्थलीय सीमा है इसकी पूछ रहा है, यहाँ जो समुद्री सीमा है इसका नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत में 2 प्रकार के तट होते हैं, एक मुख्य भूमि वाला तट होता है, और एक जो आपका अंडमान निकोबार उसमें शामिल कर लें और लक्षद्वीप द्वीप शामिल कर लें, तो ये द्वीपीय टच होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम लोग तटीय सीमा की लंबाई निकालें तो वो हमारा होता है 7516.6 किलोमीटर, लेकिन जो मुख्य भूमि है जो कि आपकी सिर्फ तमिलनाडु तक ही लगती है उसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। जो आपके द्वीप है यानी कि अंडमान निकोबार और अरब सागर में जो आपका द्वीप है लक्षद्वीप, इसको भी अगर शामिल कर लें तो उसकी लंबाई होती है 1216, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल हमारा 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो इन तीनों का डाटा जो है वो अलग अलग है, याद रखिएगा, अगर भारतीय तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछे तो आपको बताना है 7516.6 किलोमीटर, मुख्य भूमि की लंबाई पूछे तो 6300 किलोमीटर, अगर द्वीप जिसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लें और अब सागर में जो द्वीप हैं उनको भी शामिल कर लें तो उनकी लंबाई होती है 1216.6 किलोमीटर। तो इन तीनों डाटा को आप अलग अलग याद रखना है और आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा को साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा का साझा करता है, कौन कौन से देश हैं आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हैं, कौन कौन से देश हैं एक बार मैप में जाके देख लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के आरी बगल कौन से देश हैं, आपको सब पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, तो सर्वाधिक लंबी सीमा जो पाकिस्तान के साथ बनाता है वो राजस्थान बनाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश के पूरे पश्चिमी साइड में पश्चिमी बंगाल स्थित है, तो इस प्रकार सबसे लंबी जो सीमा बनती है वो पश्चिम बंगाल की बनती है। ये सारे जो प्रश्न हैं ये रट्टा मारने वाले प्रश्न नहीं है, एक बार आप मैप देखेंगे ना तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं उसमें सबसे लंबा तो पश्चिम बंगाल है, तो इसको समझ रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, मैप देखिए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। भारत बांग्लादेश की सीमा पर अंतर्वेशों की संख्या कितनी है, तो भारत में 108 हैं और बांग्लादेश में 92 हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत चीन सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर है, और इसी पर लगातार विवाद होता रहता है, जो आपकी गलवान घाटी है या लद्दाख वाला एरिया है उसी में लगातार झगड़े होते रहते हैं भारत और चाइना के बीच में। भारत और भूटान की जो सीमा रेखा है वो 699 किलोमीटर की है। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो भूटान के साथ जो बॉर्डर बनाते हैं वह भारतीय राज्य आपके असम है, यहाँ पर आपको किलोमीटर याद रखने की कोई आवश्यकता
नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग डूरंड जो लाइन है वो पुरानी लाइन है जिसको हम लोग मानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया जिसको हम LOC कहते हैं, नियंत्रण रेखा कहते हैं, वो हमारी युद्ध विराम वाली लाइन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पड़ोसी देशों के की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल मिला के 18 हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 भारतीय राज्य, इसमें आपके पड़ोसी देशों में जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो किन दो देशों को जोड़ती है? तो 3 बीघा कॉरिडोर आपका बांग्लादेश और भारत के बीच में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भारत अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो रेखा है वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में कौन से पड़ोसी देश हैं? उत्तर का मतलब जहां पर हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में 3 देश बसे हुए हैं, चाइना, नेपाल और भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलीय सीमा से जुड़े 2 देश कौन से हैं? अब सिर्फ यही 2 देशों के नाम आपको नहीं याद करना, श्रीलंका और मालदीव। तो भारत की जो जलीय सीमा होती है वो इंडोनेशिया के साथ भी जुड़ी होती है, थाईलैंड के साथ भी जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आपका जो कोई विकल्प दिया गया होगा जिसमें श्रीलंका और मालदीव लिखा था, इसलिए यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव आपका उत्तर दिया गया है। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका एक दूसरे से जल संधि के द्वारा जुड़े गए हैं, उस जल संधि का क्या नाम है? तो उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत की समुद्री तटीय जो राज्य हैं वो कौन से हैं? तो समुद्र जो तटीय राज्य हैं वो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप पश्चिम से स्टार्ट करिए, यहाँ पर ऐसे जाते हुए आप आराम से मैप देखकर पढ़ सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर गुजरात मिलेगा, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे गोवा, फिर उसके नीचे कर्नाटक, फिर उसके नीचे केरल और सबसे नीचे तमिलनाडु। अब पूरब में जब ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा और उसके ऊपर आपको मिलेगा पश्चिमी बंगाल। लेकिन यहाँ पर हम भारतीय राज्यों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि अभी जब भारतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तब इनकी कितनी लंबाई चौड़ाइयाँ हैं ये भी पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, सिर्फ पड़ोसी देशों के बारे में ही पढ़ना है। तो भैया अरिहंत की किताब ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत लूसेंट में दिया गया है वहाँ से पढ़िएगा और मैप्स आराम से देखिएगा। आपको सिर्फ भारत के पड़ोसी देश में उनकी राजधानी, मुद्रा, कौन सी सीमा कितनी लंबी चौड़ी है इसको पढ़ना है और वहाँ पर कितने भारतीय राज्य किस पड़ोसी देश में है इसको पढ़ना है, किस पड़ोसी देश के साथ अपना बॉर्डर बनाते हैं ये पढ़ना है, भारत की जो समुद्री सीमा है किन किन देशों के साथ मिलती है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना है। तो इस टॉपिक को पढ़ने में आपको मात्र 1 घंटे का समय लगना चाहिए। तो ये हमारा पहला लेक्चर था और इस पहले लेक्चर में उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग इसी प्रकार से मात्र 30 दिनों में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे और 1 दिन में आपका 2 से 3 वीडियो मिलेगा और जो भी होगा वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना भैया, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में और आप सभी लोग YouTube चैनल के साथ लगातार बने रहिए। जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। ठीक ना भैया, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।